आइए आपको लेकर चलते हैं, ये पब्लिक है सब जानती है के सेट पर, और वहाँ जानते हैं विजय विश्वकर्मा से वो आज हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और नए मुद्दे के साथ मैं हूँ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती है, आज हम बात करेंगे रीवा जिले में जिन प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए और वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। चुनाव के एन मौके पर ऐसे नेता भीड़ के साथ उभर कर सामने आते हैं और चुनाव होने के बाद गायब हो जाते हैं, ना तो उन्हें जनता की परवाह होती और ना ही जनता के मुद्दों की। तो हम बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपको परिचय करा देते हैं, हमारे साथ न्यूज एडिटर हैं जावेद जी और साथ ही इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं न्यूज नेशन के संवाददाता सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आपका स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि रीवा जिले में किन प्रत्याशियों का रहा बोलबाला और किन की नैया डूबी। जी जावेद जी, मैं आपको बता दूं, मैं रीवा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो रीवा विधानसभा क्षेत्र में 53% पुरुष मतदाता थे, पिछली बार 46% महिला प्रत्याशी थी। मैं आपको बता दूं 25 लोगों ने रीवा से चुनाव लड़ने की जी पर्चे दाखिल किए थे। जी बिल्कुल, 25 लोगों ने यहां से रीवा विधानसभा से पर्चा दाखिल किया जिसमें से 22 लोगों की जमानत जब्त हो गई, इसमें महज 3 लोगों ने जमानत अपनी बचा पाई और ये बड़े पार्टी के प्रत्याशी थे जिसमें से भाजपा के राजेंद्र शुक्ल, दूसरा कांग्रेस के और तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही, जबकि बाकी प्रत्याशियों की जमानत यहां जब्त हो गई। मैं जी क्या कहेंगे कि किस तरह से यहां पर प्रत्याशियों की भीड़ होती है और एन मौके पर चुनाव के पहले आते हैं और चुनाव के बाद ये जमानत भी नहीं बचा पाते और गायब हो जाते हैं। जी निश्चित तौर पर जब ये कहेंगे जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो ये एक बरसाती बैठक की तरह अगर कहें तो लोगों के बीच में जाते हैं, नए नए वादे करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और कह सकते हैं कि प्रलोभन भी देते हैं, और मतदाता कुछ जो जागरूक नहीं होते वो उन प्रलोभन में चले भी जाते हैं और 1500 के मतदाता वोट भी उनको मिलता है। तो ऐसे समय में ये है कि इन लोगों को हमेशा इनसे मतदाताओं को दूर रहना चाहिए, और ये जो बरसाती मेढक की तरह आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, 5 साल नज़र नहीं आते, इनसे बहुत दूरी बना के। मैं सुरेंद्र जी आपको बता दूँ, उन 25 में से ऐसे जिनकी अभी आपने बरसाती मेढक का जिक्र किया, ऐसे 9 लोग थे, 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पिछली बार रीवा विधानसभा से चुनाव लड़ा था, बाकी 14 लोग किसी ना किसी पार्टी से संबंधित थे, 3 बड़ी पार्टियां ही अपनी जमानत बचा पाई थी, 22 लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी। यहाँ पर एक मजेदार चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर से जीते थे राजेंद्र शुक्ल, भारतीय जनता पार्टी से 3 बार से विधायक है। पिछला चुनाव अगर आप राजेंद्र शुक्ल को एक तरफ रखिए और बाकी 24 लोग को एक तरफ रखिए, फिर भी राजेंद्र शुक्ल का वोट प्रतिशत उनके वोट बाकी लोगों को मिला के ज्यादा था। इसका मतलब सब एक तरफ, राजेंद्र शुक्ल एक तरफ, फिर भी वो चुनाव जीत सकते थे। बिल्कुल, यहाँ पर बाकी के प्रत्याशियों को जितने वोट मिले वो अकेले ही उतने वोट भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल को मिले, जबकि 23 प्रत्याशी जो थे उन पर अगर बंटवारा किया जाए तो वो वोट संख्या काफी कम थी। देखिए यहाँ पे हम चूंकि आप रीवा विधानसभा की बात कर रहे हैं, रीवा एक शहर है, संभागीय मुख्यालय भी है, लोग यहाँ जागरूक हैं, विकास के नाम पर वोट देते हैं, पहली प्राथमिकता उनकी विकास होती है, फिर इसके बाद वो जातिगत आधार पर आते हैं या फिर व्यक्तिगत तौर पर वोट देते हैं, तो इसलिए जो राजेंद्र शुक्ल जी को वोट मिला वो विकास के आधार पर मिला था, ना कि प्रलोभन देने वाले लोग थे इसे विकास हुए। लेकिन अगर अदर विधानसभा में आप जाइए तो केवल वोट बरगलाने के नाम पर जो 2000, 4000, 5000 वोट पाए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि चलो पर्चा दाखिल कर दो, 5000 या 10000 रुपये लगे, फिर अपन किसी ना किसी पार्टी से किसी ना किसी उससे एक समझौता कर लेंगे और अपने लिए कुछ। बिल्कुल जावेद जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर कुछ पार्टी के लोग भी इस मामले में सक्रिय रहते हैं और कई ऐसे प्रत्याशियों को दूर कर लाते हैं कि उनको अपने साथ चुनाव मैदान में उतारें ताकि वो वोट बैंक पर सेंध मार सकें। निश्चित तौर पर डमी कैंडिडेट के रूप में भी यहाँ पर उतारा जाता है और
जो मतदाता है उनको जो है भ्रमित किया जाता है और ऐन वक्त पे उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है जी। तो ये भी होता है। वर्तमान में जिस तरह से आदर्श आचार संहिता के पालन के निर्देश है उस पे वाहनों से लेकर कई तरह की है कि प्रत्याशियों के साथ जो लोग होते हैं भीड़ होती है और उनको रैली करना है कार्यकर्ताओं के साथ मिलना है खर्च है तो उस सब को बांटने के लिए भी वो अवसर। बिल्कुल विजय जी आप बिल्कुल 101% सही कह रहे हैं। बड़ी पार्टियों के लोग जिनके पास ज्यादा पैसे हैं जो बड़ा चुनाव लड़ते हैं वो अपने खर्च को दिखाने के लिए 3 या 4 कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं और उनके नाम से प्रचार प्रसार करके उसमें अपना प्रचार करते हैं अंत में वो उनसे अपना समर्थन ले लेते हैं। अगर रीवा जिले की बात की जाए तो रीवा जिले में कुल 162 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए थे जिसमें से 140 की जमानत जब्त हो गई थी और महज 22 लोगों ने ही अपनी जमानत बचा पाई थी जबकि इसमें से 8 प्रत्याशी जो वर्तमान में MLA हैं वो हैं जी। निश्चित रूप से सही है ये बात है कि 8 लोगों जो वर्तमान MLA हैं वो हैं और 22 जिन्होंने जमानत बचाई थी बाकी लोग एक डमी के तौर पे थे जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डमी कैंडिडेट जो दूसरों का खर्चा अपने में ऐड करते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव निर्वाचन आयोग से बचने की कोशिश करते हैं तो यही कारण है कि वोट बैंक जो है अदर लोगों को कम मिलता है। तो सुरेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव हाईटेक होता जा रहा है प्रत्याशी चुनाव आयोग जितनी सख्ती बरत रहा प्रत्याशी अपने लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कुछ खोज लेते हैं कि हमें किस तरीके से चुनाव को मैनेज करना। बिल्कुल तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको विकास के नाम पर वोट करने हैं और इन जालसाजों से बच के रहना है जो सिर्फ लुभावने वादे करते हैं और चुनाव के बाद ये गायब हो जाते हैं। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बताएंगे आपको आखिरकार क्यों डालना चाहिए वोट। जाने के नाम जान बना अरे आमा हो मतदान करा। आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें प्रयास करें आओ हम प्रयास करें शत प्रतिशत मतदान हमें कर आना है रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है शत प्रतिशत मतदान हमें कर आना है रीवा का अभिमान हमें बढ़ाना है आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें। पुरुषों को आगे लाना है सुगम समावेशी मतदान कराना है महिलाओं पुरुषों को आगे लाना है आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ताकत हमें दिखाना है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है अपनी वोट की ताकत हमें दिखाना है आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें लेकर हाथ में हाथ करें सब मिल साथ साथ करें आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें आओ हम प्रयास करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिरकार हमें वोट क्यों डालने चाहिए हम बहस इसी पर करते हैं आगे की चर्चा हमारी इस पर ही होगी। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए हमें वोट डालना चाहिए। इस वोट डालने से आपकी चुनी हुई सरकार आती है और वो सरकार विकास करती है देश को बढ़ाती है। अगर देश बढ़ता है तो आपकी भी उन्नति होती है और
हमें खुशहाली मिलती है, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं और हमारा भी विकास होता है। क्या लगता है कि एक अच्छी सरकार ही हमें अच्छे साधन दे सकती है, रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो? जब तक अगर अच्छी सरकार नहीं होगी तो हमें ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल विजय जी, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों से भी मैं ये अपील करूंगा कि वो वोट डालने जरूर जाएं, अपना वोट सोच समझ कर दें। जिन प्रत्याशियों से आपकी जो भी समस्याएं हैं, उनने वादा किया आपकी समस्या का वो निराकरण करेंगे, आप उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए। अपनी चुनी हुई सरकार, अपने चुने हुए सरकार से जब आप जनप्रतिनिधि अपना चुनेंगे, तभी आपके मनमाफिक काम होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके जिले में, आपके यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तभी पूरी होंगी जब आप अपना वोट सोच समझकर चुने हुए प्रत्याशी को देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो देखने वाली बात रही ये रही कि लोग अपने वोट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं और ये छोटी छोटी पार्टियों को और साथ ही ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों को भी वोट डाल देते हैं जिससे उनका वोट खराब हो जाता है, जबकि वो लोग सिर्फ वादे करते हैं और कोई काम नहीं करते, ना ही उनका कोई वर्चस्व होता है। जी विजय जी, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँ कि मतदाताओं को जो है, मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस चीज़ को देखें, बेहतर जो हमारे लिए विकास कर सके उसे हम मतदान दें और इसको परखें और समझें। और दूसरी चीज़, लोगों के लोग लुभावने वादे पर ना जाएं, क्योंकि अब आजकल देखा जाता है कई चीज़ बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लोग जाते हैं कहते हैं हम ये करें, लेकिन देश सबसे पहले तौर पर मतदाता देखें देश के लिए हमारे कौन क्या कर सकता है, इसे देखें, फिर प्रदेश है, फिर जिला है, अपना गाँव है, तो हर चीज़ को देखना चाहिए, ऐसा बेहतर, क्योंकि हमें देश भी देखना है। बिल्कुल, देश देखना है, राज्य देखना है, समाज देखना है, हमारे लिए कौन सा बेहतर विकल्प होगा, कौन हमारी सुनवाई करेगा, कौन हमारे हितों की रक्षा करेगा, बहुत सोच समझकर मतदान करना चाहिए। अपना मतदान हमारी वो एक ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमारी स्ट्रेंथ तभी अच्छी बेहतर साबित, किसी को व्यक्तिगत लाभ के लिए या व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए क्या किया, फला व्यक्ति था उसने आज 5 साल नहीं यही नहीं किया, तो इन चीज़ों को भूल, केवल एक विकास जो होता है देश के लिए और प्रदेश के लिए, जिले के लिए, फिर हमारे लिए, बिल्कुल आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आप सभी को 28 नवंबर को मतदान करने का अधिकार मिलेगा, तो उस दिन निश्चित तौर पर आप अपने घरों से बाहर निकलें और जहां पर मतदान हो रहा उस बूथ पर जाकर अपने मतदान का प्रयोग करें। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका सही जगह पर मतदान पड़े, किसी के लुभावने वादे पर नहीं आना है और ना ही किसी तरह से किसी के दबाव में आना है। आपके साथ हमेशा निर्वाचन आयोग खड़ा होता है, जो नोडल अधिकारी हैं, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपकी पूरी तरह से मदद करते हैं, तो आपको किसी भी तरह से कोई भय नहीं होता। कोई दबाव देता है आपके ऊपर या कोई प्रेशर बनाता है तो उसके लिए निर्वाचन जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे आप शिकायत कर सकते हैं, अपने नोडल देखिए आपको अपना वोट डालना है, अपने मनमाफिक अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वोट देना है। अगर आपको वहां पर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो प्रशासन आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। आप अपने जनप्रतिनिधि को बता सकते हैं, वहां पर जो भी मौजूद है उनको बता सकते हैं, लेकिन अपना मतदान अवश्य करना चाहिए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे वजूद जिन पार्टियों का नहीं है वो भी मैदान में उतरने की तैयारियों पर है। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रीवा जिले के 162 प्रत्याशियों की, जो मैदान पर उतरे और इसके बाद 140 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अगर बात करें रीवा की, रीवा विधानसभा की, तो यहां पर कुल 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और अपने प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा, उनकी जमानत भी नहीं बच पाई, जिसमें से महज 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जमानत बच पाई थी, बाकी की जमानत जब्त हो गई। जावेद जी, विजय जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा में 25 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 25 में से 14 लोग पार्टियां थी और 14 पार्टियों के अलावा यहां पर 9 लोगों ने निर्दलीय रूप से पर्चा दाखिल किया था। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि 3 पार्टियों को छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर
25 में से 24 कैंडिडेट के अगर वोटों के मत प्रतिशत को मिला दिया जाए, सारे वोटों को अलग कर दिया जाए, फिर भी यहाँ से जो विजयी उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे उनके वोट भी कम हुआ करते थे। बिल्कुल, ये बड़ी रोचक बड़ी मजेदार बात थी कि रीवा की स्थिति इतनी खराब थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो विजय प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको 61,502 वोट मिले थे। वोट ऑफ परसेंटेज की बात की जाए तो 51% वोट उनको मिले थे। कृष्ण कुमार गुप्ता बहुजन समाज पार्टी, डॉक्टर मुजीब खान, एक को 20%, एक को 70%, दोनों के होते थे वोट 37%। बाकी लोगों के जो 22 कैंडिडेट हैं उनके वोटों को मिलाने के बाद भी इनके वोट ऑफ प्रतिशत 48.52% होता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर वोटों की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो 51% से भी अधिक वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिले थे और उनकी इसी वजह से विजय हुई, क्योंकि जो वोट प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा था, बाकी के प्रत्याशियों को जो वोट मिले वो काफ़ी कम थे। अगर हम देवतलाव की बात करें तो यहाँ पर 9 पार्टियों ने पर्चे दाखिल किए थे और इसी तरह से सिमरिया में 11 पार्टियाँ मैदान पर थी, जबकि सिरमौर में 14 पार्टियाँ थी, रीवा में भी 14 और सिरमौर में भी 14 पार्टियां थी। इसी तरह से मऊगंज में 11 पार्टियां, जबकि गुढ़ में 10 पार्टियां थी। सबसे कम मनगवा विधानसभा में 6 पार्टियां मैदान पर रही, जबकि तौथर में कुल 12 पार्टियां मैदान पर थी। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि सिमरिया विधानसभा में जिस तरह से पार्टियां थी और उनकी जमानत जब्त थी, वहां पे 25 कुल प्रत्याशी थे, 25 में से जो 12 लोग थे वो पार्टी से थे, जो पार्टियाँ थी उनसे थे, तो इरानी गली वहाँ पर मैदान में थी। और 12 जो पार्टी थे उनमें से 3 केवल ऐसे कैंडिडेट थे जो जीते, एक जीते और 2 बिल्कुल बराबर स्थिति पर रहे, बाकी ने जमानत वहाँ पर जब्त की। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी जो वोट प्रत्याशी देखा जाए तो जो कह सकते हैं निर्दलीय हैं वो बहुत ही कम उनका रहा, और केवल वो नामचीन तौर पर एक डमी कैंडिडेट के रूप में भी वहाँ पर। अगर हम बात करें मनगवा विधानसभा की, तो आरक्षित होने के चलते इस विधानसभा में महज 6 पार्टियों ने ही पर्चे दाखिल किए, जबकि बाकी जगह पर काफ़ी प्रत्याशियों की संख्या देखी गई कि एक भीड़ सी मची रही। देखिए विजय जी, आपने जैसे परिचर्चा के शुरू में ही कहा था, यहाँ पर मेढकों की तरह और कई मुहावरों का प्रयोग आपने किया था कि उस तरीके से यहाँ पर लोग चुनाव के समय में अलग अलग पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी उतर आते हैं। शायद मनगवा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि आरक्षित है, आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत तरीके की सुविधाएं वहाँ का प्रत्याशी उपलब्ध नहीं करा पाता। यही परिणाम साफ तौर से बाकी सब जगह का देखने के बाद क्लियर कट समझ में आता है कि वहां पर अन्य व्यवस्थाएं ना हो पाने की वजह से सबसे कम कैंडिडेट। लेकिन अगर हम सिमरिया की ही बात करें, जी हाँ, 2008 में इसका उदय हुआ, जी हाँ, परिसीमन के बाद बनी और आखिर इतने प्रत्याशी वहां पहुंच गए, लेकिन मनगवा एक पुरानी विधानसभा, वहां पे इतने कम क्यों? एक बड़ा देखिए विजय जी, आपका आरक्षण बिल्कुल सवाल सही है। देखिए मनगा सिमरिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिमरिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आरक्षित नहीं थी, मनगवा आरक्षित हो गई। आरक्षित होने की वजह से बहुत सारी चीजें, आरक्षित होने के बाद भी वहाँ पर लोग जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिन युवाओं को आना चाहिए वहाँ पर मैदान पर, वो क्यों नहीं आ रहे? जबकि अदर विधानसभा में देखा जाए जिसका रेशो ज्यादा है, निर्दलीय प्रत्याशी आपके ज्यादा है, वहाँ 3 कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल ठीक करें, देखिए क्या होता है, हार जीत का जो पैमाना होता है, हर आदमी ये सोच के चुनाव लड़ता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन यही, ये जो मनगवा की बात हम अगर कर रहे हैं, तो मनगवा विधानसभा आरक्षित होने के चलते, क्योंकि यहाँ पर इन पार्टी के जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, संसाधन नहीं उनके पास, और कोई भी इन पर दांव भी नहीं लगाना चाहता, वो एक वजह मानते हैं आरक्षण के चलते। जो आरक्षण का मुद्दा है वो भले ही अन्य जगहों पर हावी हो, लेकिन ये एक ऐसी विधानसभा सीट है खास तौर से चुनाव के समय, यही पार्टियों के लिए बड़े लीडर्स हम वापस देवतलाव पर अगर हम वापस आए, इससे पहले वो भी आरक्षित हुआ करती थी, वहाँ इस बार जो कह सकते हैं 19 कैंडिडेट्स थे 2013 के चुनाव। तो अगर मनगवा देखा जाए, जैसे ये सामान्य कैंडिडेट्स बढ़ गए सामान, तो हमारे कहने का कि आरक्षित होने पर लोग उस वर्ग से क्यों नहीं आते मैदान? देखिए आरक्षित होने की वजह से एक तो पहले से तय हो गया कि सामान्य प्रत्याशी अब वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता,
आरक्षित वर्ग का ही वहां पर से कैंडिडेट होगा। उसकी वजह से आरक्षित वर्ग का आदमी ये सोचता है कि अगर मुझे पार्टी का सिंबल मिला और बड़ी पार्टी का सिंबल मिला तो ही मैं चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जावेद जी, क्योंकि मनगवा विधानसभा सीट में ये देखने को मिला कि 6 पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी थे, जबकि निर्दलीय महज 3 थे। 3 प्रत्याशियों ने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया, बाकी के तो सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के साथ वहां पर चुनाव प्रचार किया और उनको लड़ाया, उनके खर्च से लेकर सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई थी। तो जैसे अगर हम रीवा की बात करें तो 16 पार्टी यहाँ पे थी, आधा विधानसभा में इसी तरह की कहीं 14 पार्टी थी। वही एक ऐसा मनोवा आरक्षित हो जाने का कम उम्मीदवार वहाँ पे आए, पार्टी भी नहीं, भी 14 पार्टी है जो कह सकते हैं वोट बैंक भी कम पाते, लेकिन उन्होंने भी वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल आरक्षण उसी के लेकर वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं कि हमें आरक्षण पर लड़ते हैं, विभिन्न धाराओं पर जैसे अभी कई मुद्दे भी आए थे उनको भी लेकर। तो ये लोग अपने पार्टी जो पार्टियाँ हैं वो अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते ऐसी जगहों पर? देखिए आरक्षित वर्ग जहाँ थी, जो भी सीट आरक्षित हो जाती है वहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ ये ध्यान देती हैं कि यहाँ से हम जीतेंगे नहीं, हमें वोट ऑफ परसेंटेज भी कम होगा और उनका प्रत्याशी वहाँ पर पैसे, आज की तारीख में देखिए चुनाव हो गया है, पैसे का खेल। ठीक बात कर रहे हैं जावेद जी, सिर्फ ये जो अपना चुनाव का प्रतिशत वोट बैंक का प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए आरक्षित सीटों पर पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं, जबकि बाकी जगह पर इनको ये उम्मीद होती है कि उनका प्रत्याशी शायद कुछ कमाल कर सके। निश्चित तौर पर आपने इस चर्चा को देखा, हम सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप भी अपने मतदान का प्रयोग करें, वोट जरूर डालें और ये वोट निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए, आपकी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज कल्याण के लिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं आपको मिल सके, इसके लिए मतदान का प्रयोग किया जाता है। और आपका मतदान सही जगह पर पड़े, इससे सही सरकार आए और वो देश का विकास कर सके। आज बस इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।